वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक लाइसोसोम, जो कि एमडी कैट के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर वर्ड को देखें तो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, पहला लाइसो और दूसरा सोमा। लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग, यानी टूटना, और सोमा बॉडी को कहते हैं, यानी ये ऐसा पार्टिकल है जो किसी बॉडी के साथ अटैच होगा और अटैच होने के बाद उसकी ब्रेक डाउन करवाएगा, ये लाइसोसोम कहलाएगा। इसे डिस्कवर किया डे डव ने, और ये सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है, यानी इसके इर्द गिर्द एक ही मेम्ब्रेन होगी। इसके अंदर एंजाइम भी पाए जाते हैं, दो तरह के एंजाइम पाए जाएंगे, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो वाटर की मौजूदगी में चीजों को तोड़ेंगे, और दूसरे एसिड फास्फोटेसिस हैं जो एस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर किसी बॉडी के साथ इस लाइसोसोम को अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद उस बॉडी को तोड़ेंगे। और ये एस्टिक एनवायरनमेंट इसकी पीएच 5.4 होगी। अब देखते हैं कि लाइसोसोम बनते कैसे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी, इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जितने भी एंजाइम बनते हैं वो सारे के सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेंगे, यानी ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर बनेंगे, और बनने के बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चले जाएंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम है जिनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन आ गई है, तब इसे हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहेंगे। अब ट्रांसपोर्ट वेजिकल के नाम से ही जाहिर हो रहा है, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से गाल्जी अपरेटस के पास आ जाएंगे और इसकी फार्मिंग फेज के साथ आके अटैच होंगे। फार्मिंग फेज इसे मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव करवाती जाएगी और मूव करवा के गाल्जी वेजिकल्स बनाएगी। जब गाल्जी वेजिकल बन जाएंगे तो इन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम को हम एक से ज्यादा तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है ये प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा, और ये इनएक्टिव है, यानी अभी वर्किंग नहीं कर रहा। आप इसे एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, बिफोर वर्किंग जो लाइसोसोम कहलाएगा ये प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। जब ये एक्टिव होगा, यानी लाइसोसोम किसी भी पार्टिकल के साथ अटैच होगा, इसकी ब्रेक डाउन करवाएगा, इसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस देखेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाएगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाएगा, और डीग्रेडेशन ऑफ सेल करवाएगा। अब मुख्तलिफ नाम इसके फंक्शन के एतबार से रखे जाते हैं। आप फर्ज कर लें हमारे WBCs यानी वाइट ब्लड सेल जो हैं, इनके अंदर कोई पार्टिकल या पैथोजिन आ गया है और वो फेगोसाइटोसिस के जरिए WBCs के अंदर चला जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसकी ब्रेक डाउन करवा देगा, तब इस लाइसोसोम को हम फेगोसोम कहेंगे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद प्राइमरी लाइसोसोम PL मतलब प्राइमरी लाइसोसोम जब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होगा, अटैच होने के बाद इसकी ब्रेक डाउन करवाएगा, इसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम कहेंगे। असल में प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है, अपने ही पुराने और फटे पुराने जो पार्ट्स हैं उसे डीग्रेड करना, उसे इनगल्फ करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी कहते हैं और ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। अगर बॉडी के अंदर लाइसोसोम नहीं बन रहे तो फिर कुछ डिजीजेस आएंगी, देखते हैं वो डिजीजेस कौन कौन सी हैं। तो लाइसोसोमल डिजीजेस इन्हें स्टोरेज डिजीजेस भी कहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मटेरियल्स बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, इसलिए इन्हें हम स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं।
दो तरह के सब्सटेंस अकोमुलेट करेंगे, एक ग्लाइकोजन और दूसरा लिपिड, और ये कंजेंशनल डिजीजेस हैं, यानी बर्थ के साथ ही बेबी के अंदर आएंगी। इनमें फर्स्ट है ग्लूकोजिनोसिस टाइप 2 और सेकंड है टे-सैक्स डिजीज। अब ग्लूकोजिनोसिस टाइप 2 के अंदर क्या होगा, हमारे लीवर और मसल्स जो हैं इनके अंदर ग्लाइकोजन जमा होना शुरू हो जाएगा, और इस केस के अंदर जो एंजाइम मिसिंग है वो है फास्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम, ये नहीं बनेगा और ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी। टे-सैक्स डिजीज के अंदर फैट्स ब्रेन के अंदर जमा हो जाएंगे और मेंटल रिटार्डेशन आएगी, इसके अंदर लाइपेज एंजाइम नहीं बनेगा जिसकी वजह से ये फैट ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होगा। तो ये बच्चे आज का हमारा लेक्चर था लाइसोसोम, जो कि एमडी कैट के लिहाज से इम्पोर्टेंट था।